दोस्तों एक ऐसी सीरीज जो कि आपको ऑलमोस्ट मनी हस्ट जैसी ही फीलिंग देने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ बैंक अंडर सीज वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसके टोटल 5 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 54 to 60 मिनट की है। सीरीज में किसी भी तरह की कोई भी न्यूडिटी आपको नजर नहीं आने वाली होगी और इस सीरीज को चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में आपको छोटे मोटे गालियां सुनने के लिए जरूर मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अब थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों इस सीरीज की स्टोरी की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना से ली गई है। कहानी की शुरुआत होती है बैंक ऑफ स्पेन से, जहां पर कुछ चोर जो कि बैंक को लूटना चाहते हैं, वो पूरी प्लानिंग के साथ बैंक के अंदर एंट्री तो करते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि उनके साथ एक खतरनाक फ्रॉड हुआ है और उन्हें गलत ब्लूप्रिंट्स दी गई है, जिसकी वजह से वो बैंक में घुस तो गए हैं लेकिन उनके लिए निकलना नामुमकिन सा हो रहा होता है। और लास्ट तक ये सभी चोर उस बैंक से निकलने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं और असल में वो बैंक के अंदर कौन से इरादे से जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होते हैं। सीरीज की दोस्तों हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। इस सीरीज के एटलीस्ट एक भी एपिसोड को आप स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है और इसकी हिंदी डबिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी की गई है। ये सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। सीरीज के हर एक एपिसोड में आप अच्छा खासा सस्पेंस और अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि आपको फ्लैशबैक में दिखाए जाएंगे और वो सारे के सारे सीन्स आपको सच में माइंड ब्लोइंग लगने वाले होंगे। इस सीरीज को जब आप देख रहे होंगे तो आपको पूरी तरह से ये सीरीज ऑलमोस्ट मनी हस्ट जैसे ही लगने वाली होगी। इवन इसकी एंडिंग भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस सीरीज के हर एक एक्टर की एक्टिंग आपको सच में अमेजिंग लगने वाली होगी। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों ये सीरीज तो रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी। सीरीज ने एटलीस्ट मुझे किसी भी जगह पर बोर नहीं किया और सच बताओ तो दोस्तों मनी हस्ट मेरी एक फेवरेट सीरीज है और उसी से मिलती जुलती ये सीरीज भी है, इसीलिए ये सीरीज मुझे और भी ज्यादा पसंद आई। तो दोस्तों अगर मैं इसे रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 4.2 स्टार, क्योंकि दोस्तों एटलीस्ट इस सीरीज ने मुझे किसी भी जगह पर निराश नहीं किया। इसकी स्टोरी की प्रेजेंटेशन से लेकर इसकी हर एक चीज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बनाई गई है और हर एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल और बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगने वाली होगी। तो दोस्तों ये सीरीज वो तो जरूर देखे जो कि मनी हस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये सीरीज कुछ मनी हस्ट से कम भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।